हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज की जो वीडियो है ये कमेंट सेक्शन पर बेस्ड है। मैं आप लोगों के कमेंट्स को रैंडमली पिक करूंगा और उन सभी के आंसर्स दूंगा, जिससे आप सभी लोग जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है उनको बहुत फायदा होगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए लेते हैं सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है सरजील रॉक का। इन्होंने लिखा है SWA में कौन सा मेंबरशिप ले। देखिए, SWA में अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में, जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग में रहते हैं, आपने कोई भी मूवी में काम नहीं किया है, यानी आपने कोई भी मूवी नहीं लिखी है या आपने किसी लिरिक्स को नहीं लिखा है या फिर आपने किसी टीवी सीरियल कंपनी में काम नहीं किया, तब तक आपको फेलो मेंबरशिप ही मिलेगी। यानी जो एस्पायरिंग राइटर्स रहते हैं, जो राइटर बनना चाहते हैं, राइटर बनने के लिए जो स्ट्रगल करते रहते हैं, उनको जो फेलो मेंबरशिप है वही मिलती है। तो आपको, आपका जवाब मिल गया होगा कि आपको फेलो मेंबरशिप ही मिलेगी सबसे स्टार्टिंग में। ये आपके ऊपर नहीं रहेगा कि आप कौन सा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आपको फेलो मेंबरशिप ही मिलेगी। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है आशा बुटर पुनेट का। इन्होंने लिखा है सर, क्या राइटर को स्ट्रगल टाइम में मुंबई में रहना जरूरी है? मैं मीरठ यूपी से हूँ, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, स्ट्रगल के टाइम में आप दो तरीके से स्ट्रगल कर सकते हैं। पहला तो आप ऑनलाइन स्ट्रगल कर सकते हैं। आप घर बैठे, अगर आप राइटर हैं तो आप प्रोड्यूसर्स को ईमेल कीजिए, उन्हें फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और आपकी बात जब बन जाती है तब फिर आप, जब फाइनल मीटिंग होती है तो फाइनल मीटिंग के लिए आप फिर मुंबई आ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप मुंबई में ही रहिए, मुंबई में रह करके आप फिर अपने यहाँ पर सेटलमेंट कर लीजिए, कुछ जॉब वगैरह कीजिए, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप यहाँ पर साल, दो साल, तीन साल, जितने साल आप स्ट्रगल करना चाहते हैं आप स्ट्रगल करके यहाँ पर ट्राई कीजिए मुंबई में ही रह करके। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप मुंबई आकर के स्ट्रगल करें तो फिर आप घर बैठे ऑनलाइन स्ट्रगल भी कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये है कि आपके बहुत सारे पैसे जो बच जाएंगे, क्योंकि मुंबई में आकर के रहने, खाने और भी चीज़ों के लिए जो अदर चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। उस तुलना में अगर आप घर बैठे ईमेल करेंगे और फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको कम परेशानी भी होगी और आप कोशिश करेंगे, आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इसमें भी चांसेस है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है जुबेर राजा का। इन्होंने लिखा है सर, क्या कम पढ़े लिखे SWA का मेंबरशिप कार्ड बना सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, कम पढ़े लिखे लोग भी SWA का मेंबरशिप कार्ड बनवा सकते हैं। बस ये है कि आपको राइटिंग आनी चाहिए, और इसमें एक बात यह है कि आपको जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको वहां पर एक कैटेगरी रहती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो उस कैटेगरी में आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना रहता है, तो आपने जो भी, जहां तक भी अपने पढ़ाई किया है वो आप वहां पर भर दे, इससे कोई रुकावट नहीं है, आप SWA के मेंबर बन जाते हैं। सपोज आपने 10th तक की पढ़ाई की है या फिर आपने 10th पास आउट नहीं भी किया है तो आप वहां पर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटर कार्ड में, राइटर कार्ड के बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है परफेक्ट फिल्म क्रिएशन का। इन्होंने लिखा है डायरेक्टर फिल्म का मैं ही हूं और राइटर भी, तो क्या फिर भी स्क्रीन राइटिंग जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर्स यहां पर ही मिस्टेक कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि मैं राइटर हूं, मैं इसे डायरेक्ट करने वाला हूं, तो क्या करूंगा, मैं इसमें जैसे भी लिखना है मैं रफली इसे लिख दूंगा और फिर बाद में हम लोग शूटिंग के समय देख लेंगे। लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। होती क्या है कि आपने स्क्रिप्ट को प्रॉपरली नहीं लिखा है, शॉर्ट डिविजन्स आपने नहीं किए हैं, शॉर्ट लिस्ट नहीं बनाया है, फिर जब आप शूटिंग करते रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शॉट्स वगैरह छूट जाते हैं, आपके दिमाग में एक प्रॉपर विजन रेडी नहीं रहता है कि किस एंगल में कैमरा को लगाना है, कैसा मूवमेंट देना है, किस तरीके से शॉट साइज होना चाहिए, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, ये सभी चीज़ आप पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी मूवी जो है वो बेहतर ढंग से आप बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पेपर वर्क करना। आप अगर राइटर है, डायरेक्टर है, दोनों हैं, तो भी आपको स्क्रिप्ट को प्रॉपरली लिखना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार से फिर शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट डिविजन्स, जो भी पेपर वर्क होते हैं वो भी करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अरसलन खान का। इन्होंने लिखा है आउटलाइन का कोई सॉफ्टवेयर है जिसे, जैसे स्क्रीन प्ले के लिए सेल्टेक्स एंड फाइनल ड्राफ्ट है, वैसे आउटलाइन के लिए कोई ऐप होगा क्या? देखिए, फाइनल ड्राफ्ट में ही आप आउटलाइन रेडी कर सकते हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट का 12th वर्जन है, अभी उसमें ऑप्शन आ गया है कि आप उसमें आउटलाइन रेडी कर सकते हैं। तो फाइनल ड्राफ्ट के 12th वर्जन में आप ये आसानी से कर सकते हैं। अदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप आउटलाइन अलग से बना सकते हैं, तो आप फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में ऐसा कर सकते हैं।
और इसी से रिलेटेड एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखना है, जैसे इसमें आउटलाइन वाली फीचर थी आपको नहीं मालूम है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, आप लोगों को नहीं पता रहती है कि फाइनल ड्राफ्ट में और क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या यूजर्स है, उसके आइकन्स वगैरह क्या है, उसमें टूल्स वगैरह क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, तो वो सभी फीचर्स, वो सभी टूल्स, उसके यूजर्स कैसे उसमें स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे, ये सभी आप लोगों को हमारे एक कोर्स में मिलेगी जिसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स। उस कोर्स को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो आप उस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाएगी। तो लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है कमल सामरिया का, इन्होंने लिखा है सर मुझे राइटर कार्ड बनवाना है। देखिए राइटर कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ज्यादातर लोग हैं राइटर कार्ड ऑनलाइन ही बनवा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन घर बैठे राइटर का कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपको इसका प्रोसेस करना नहीं आता है कि राइटर कार्ड आप कैसे बनवाएंगे, तो इसमें हम लोग जो है वो राइटर्स की हेल्प भी करते हैं। आपको राइटर कार्ड्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड करने हैं, आप व्हाट्सएप या फिर किसी भी अदर माध्यम से ईमेल वगैरह से आप वो हमें दे देंगे। उसके बाद फिर आपको थोड़े बहुत मिनिमल चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो मेंबर्स काम करेंगे इस पर आपका काम करवा करके देंगे तो वो थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं। तो आपका जो SWA का फी है और हमारे मेंबर के चार्जेस है दोनों ऐड करके आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और फिर आपके राइटर का कार्ड आपको बनवा करके मिल जाएगा। आपको मेंबरशिप नंबर वगैरह, आपको सॉफ्ट कॉपी वगैरह सभी चीजें यहां से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह की प्रोसेस नहीं करनी है, बस सारी चीजें हम लोग आपको करके देंगे। तो अगर आपको राइटर का कार्ड बनवाना है हमारे से तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बनवाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है अक्षय यादव का, इन्होंने लिखा है छोटा मोटा डायरेक्टर तो मैं भी हूँ, जितना फ्रॉड फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता उतना आप बताते हो, थोड़ा अच्छी बातें भी बता दिया करो इंडस्ट्री के बारे में। देखिए मैं अक्षय जी से ये कहना चाहूँगा कि शायद आपको मालूम नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो 70% जो लोग होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड का मतलब यह है कि वो आपको अलग अलग तरीके से लूटने की कोशिश करेंगे। शायद आपने फिल्म इंडस्ट्री को नजदीक से नहीं देखा है इसलिए आपको नहीं मालूम है। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में आप स्ट्रगल करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में आप वर्क करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगी ये बात कि कितना फ्रॉड है फिल्म इंडस्ट्री में। आप एक ऑडिशन की तलाश कीजिए, ऑडिशन की तलाश जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग मिल जाएंगे जो आपको ऑडिशन के बदले पैसे ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा। फिर बहुत सारी फ्रॉड्स होती है जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, और ये रियल घटनाएं रहती है जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके बताता हूँ, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड होता है और कितना जेन्युइन लोग होते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि जेन्युइन लोग नहीं है, जेन्युइन लोग भी है, अच्छे लोग भी है, लेकिन इन फ्रॉड लोगों में से ही हम लोगों को जेन्युइन लोगों की तलाश करनी पड़ती है और उन्हीं से अपना काम निपटाना पड़ता है। तो बात ऐसी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में काफी फ्रॉड है जिसके प्रति मुझे लोगों को अलर्ट करना रहता है। मैं टाइम टू टाइम लोगों को अलर्ट करता रहता हूं और मैं इस तरीके से लोगों की हेल्प भी करता हूं ताकि वो इस चक्कर में फंस करके अपने पैसे या फिर अपनी मेहनत ना गवा बैठे। और जहां तक बात रही अच्छी बातों की, तो रेगुलर जो वीडियोज आती है उसमें मैं आप लोगों को अच्छी बातें ही बताता हूँ, नॉलेजेस देता हूँ आप लोगों को, फिल्म मेकिंग के टेक्निक्स, स्क्रिप्ट राइटिंग के टेक्निक्स और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ। शायद आप हमारे चैनल पर नए हैं इसलिए आपको हमारे बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, आप हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोस को देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो है जो हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग लेते हैं कमेंट ऑफ द वीक को। कमेंट ऑफ द वीक में मैं ऐसे कमेंट को लेता हूँ जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो कमेंट ऑफ द वीक में है आज अजीत सचान म्यूजिक एंटरटेनमेंट का कमेंट। इन्होंने लिखा है आप किसी का नाम ले या ना ले, लेकिन आप जो कह रहे हैं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, लेकिन कोशिश तो लोगों ने खूब की है। आपने अपने वीडियोस में हमेशा इस तरह की सतर्कता के बारे में अलर्ट किया है और आपकी बातें हमेशा मेरे जहन में रहती है। देखिए अभी इससे पहले जो अक्षय जी ने कमेंट किया था तो उसमें मैंने बताया आप लोगों को, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो जानते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं क्योंकि इन्हें मैंने पहले से आइडियाज दे करके रखा है कि हाँ इस तरीके से होता है तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। तो ऐसा है, खैर चलिए वो बात को हम लोग खत्म करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आगे अजीत सचान जी ने लिखा है बॉलीवुड में 100 में 98 फ्रॉड है, बस हमें जरूरत है उन दो लोगों की, और उन दो को ढूंढने में जाहिर सी बात है कि 98 वाले लोगों से पाला तो पड़ता ही है।
इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। मुझे उस भाई के लिए अफसोस है, उसके 3000 के लिए नहीं बल्कि इसके लिए कि कोई भी हो उसके दिल में एक सपना सज जाता है कि वह सफलता के बहुत करीब है, लेकिन ऐसे मामले में सपने का टूटना तय है। बस 3000 के बदले हमें उस भाई की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हमें उसका अफसोस है। बिल्कुल सही बात कही अजय सचान जी आपने, और आपने ये जो बात कही कि 3000 रुपये की जो वैल्यू है उससे कई ज़्यादा जो है वो वैल्यू होती है इंसान के फीलिंग्स की। जब वो सोचता है कि नहीं मेरा काम होने वाला है, मैं अब राइटर बन जाऊँगा, मैं एक्टर बन जाऊँगा, तो ये वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है और उसके भावनाओं में बह जाता है। लेकिन जब उसका सपना अचानक टूट जाता है तो फिर उसे काफ़ी दुख होता है, और मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी दुख हुआ। इसलिए मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया कि उनके 3000 रुपये तो लॉस हुए ही, और भी उनको प्रॉब्लम हुई, उन्हें अंदर से काफ़ी दुख हुआ। तो आपने जो भी लिखा बहुत सही लिखा है, और इसके लिए मैं आपको एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस तरह के कमेंट से हमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये था कमेंट सेक्शन का आज का वीडियो, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।